अगर आप लोग विंडो 10 यूज करते हो तो आपने कभी ना कभी अपनी फेवरेट गेम्स को खेलते हुए हैंग या लैग फेस किया होगा। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पीसी में अच्छा सीपीयू या ग्राफिक कार्ड नहीं होता। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप लोग बिना किसी पार्ट को अपग्रेड किए अपने पीसी में सिर्फ कुछ सेटिंग्स चेंज करके अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव कर सकते हो? बिल्कुल, आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यही बताऊंगा जिससे आप अपने विंडो 10 के पीसी को ऑप्टिमाइज कर पाओगे और गेमिंग परफॉर्मेंस को स्मूथ बना पाओगे। तो आ जाओ देखते। अब सबसे पहला स्टेप है अपने सिस्टम का एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना। ये स्टेप जरूरी है क्योंकि हम अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस करने वाले हैं और अगर कोई इशू हो जाता है तो हम उसे रीस्टोर कर पाएंगे और पहले वाली स्टेट में वापस ला पाएंगे। रीस्टोर पॉइंट बनाने के लिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा। यहाँ सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर आ जाओ और फिर सिस्टम पर क्लिक करके सिस्टम प्रोटेक्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट नाम से, इस पर आकर एक नाम दे दो और क्रिएट करो। ठीक है, तो अब हमने अपना रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लिया है, अब करते हैं इसको ऑप्टिमाइज। पहला स्टेप है ऑप्टिमाइज करने का, अपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करो, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाओ, फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर, और यहाँ एडवांस में आओगे तो आपको सेटिंग्स मिलेगा, इसे ओपन करो। और अब यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है लेट विंडो डिसाइड, ये मोस्टली इसी पर ही रहता है, दूसरा है एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस और तीसरा एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन चूज करना है। वैसे आप लोग चाहो तो ये नीचे जितने ऑप्शंस दिए गए आप इसे मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कुछ वीडियोस में बताया जाता है कि ये ऑप्शंस रख लो बाकी हटा दो, तो वो भी कर सकते हो। वैसे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस से काम हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई कर दो। ये सेटिंग आपकी विंडोज से अननेसेसरी विजुअल इफेक्ट्स को या कोई बैकग्राउंड ऐप को रिमूव कर देती है और सिस्टम के रिसोर्सेज को फ्री रखती है जिससे कि परफॉर्मेंस में एक एनहांसमेंट देखने को मिलता है। अगला स्टेप भी है और एक छोटी सी ट्रिक भी है क्योंकि इससे भी हम अपने पीसी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना होगा डिवाइस मैनेजर, इसको ओपन करना है, उसके बाद आपको सिस्टम डिवाइसेज में जाना है, तो नीचे आ जाओ यहां पर और यहां आपको एक मिलेगा हाई प्रिसिशन इवेंट टाइमर, मैंने इसको पहले से ही अनइंस्टॉल किया है और आपको भी इसको यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पर देख रहे हो इनेबल आ रहा है ना, इसको यहाँ से ही आप इसको डिसेबल कर देना और चाहो तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, बट डिसेबल करने से काम हो जाएगा। इस सेटिंग से आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा गेमिंग के दौरान। अब आता है हमारा तीसरा स्टेप कि हमारे पीसी से सभी टेम्परेरी फाइल्स को क्लियर करना है क्योंकि यही टेम्परेरी फाइल आपके सिस्टम को स्लो कर सकती है। आपको सिंपल है, अपने पीसी में विंडो प्लस आर प्रेस करो और यहाँ पर आपको एक रन बार मिलेगा, इसमें आपको यहाँ पर ये तीन नीचे वाले आपको दिख रहे होंगे प्रीफेच और टेम्प और ये जो आ रहा है नीचे सिंबल्स के साथ, ये तीनों एक एक करके ओपन करना है। एक बार करके बता देता हूँ, प्रीफेच लिया, ओके किया, ये देखो कंटिन्यू। अब ये जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पर इसको कंट्रोल ऑल करो और डिलीट, ट्राई अगेन, जनरली एक दो फाइल्स नहीं होती हैं टेम्प के अंदर तो इसको रहने दो। ऐसे ही दोबारा से आ जाओ, फिर विंडो प्लस आर, अब प्रीफेच हो चुका था, अब हम जाएंगे टेम्प के अंदर, इसमें जितने फोल्डर्स हैं इसको भी उठा के डिलीट मारो और इसको भी इसी तरीके से डिलीट कर दो। उसके बाद में ये सारी चीजें आपके रिसाइकल बिन में आ जाएंगी, तो एक बार इसको भी भाई खाली कर लो। ये था स्टेप 3 अपने पीसी को ऑप्टिमाइज करने का। स्टेप 4 की बात करूं, पावर सेटिंग्स को चेंज करना है क्योंकि ये एक सेटिंग ऐसी है जो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को काफी इंपैक्ट करती है। इसके लिए आपको अगेन कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद में पावर ऑप्शन पे चले जाओ और यहां देखो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक है बैलेंस्ड और एक है पावर सेवर, लेकिन इन दोनों में से आपको कोई चूज नहीं करना है, आपको एडिशनल प्लान्स पर आना है और यहां मिलेगा आपको हाई परफॉर्मेंस का प्लान, इसको चूज करो। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था ना कि आपका सिस्टम एक बैलेंस फाइंड आउट करके चल रहा था कि भाई आपकी पावर का भी बैलेंस बना रहा है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक चलती रहे, लेकिन अब क्या है आपका पूरा का पूरा सिस्टम हाई परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देगा, भले ही थोड़ी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला स्टेप स्पेशली गेमर्स के लिए है कि आपको सेटिंग्स में जाकर के सर्च करना है एक्सबॉक्स गेम बार और एक्सबॉक्स लिखते ही यहाँ पर इनेबल गेम बार का ऑप्शन आ गया, इसे ओपन करो एंड यहाँ पर आपको इस गेम बार को इनेबल रखना है। उसके बाद में आपको ग्राफिक सेटिंग्स पर जाना है, अगर आप लोगों के पास में एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है अपने पीसी में तो इसमें आना और यहाँ ब्राउज पे चले जाओ और अपनी गेम्स को सिलेक्ट करने के बाद में ऑप्शंस पे आ जाओ और देखो अब अगेन आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिल गए, लेट विंडो डिसाइड, पावर सेविंग और हाई परफॉर्मेंस, तो इसको भी हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर दो। बट ये सेटिंग तभी करना अगर आपके पीसी में एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देना, छेड़कर कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद है लास्ट स्टेप कि आप इंश्योर कर लो कि आपके पीसी के जितने ड्राइवर्स हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब अपडेटेड है, क्योंकि आउटडेटेड ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर्स कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी आपकी गेम्स को लैग और हैंग करने का रीजन बनते हैं। इसके लिए आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है और यहाँ अपडेट एंड सिक्योरिटी और विंडो अपडेट का ऑप्शन है, इसे चेक फॉर अपडेट कर लो। वैसे जनरली यहाँ पर सारे ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर्स की अपडेट आती नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप ड्राइवर इजी प्रो करके एक सॉफ्टवेयर है उसको बाय कर लो। यहाँ देख सकते हो इसमें आपको तीन पीसी सिर्फ $30 में मिल रहे हैं, वो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे, और इसमें आपको सारे के सारे ड्राइवर्स के छोटे छोटे अपडेट्स भी आराम से मिल जाएंगे, तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करो। बाकी लिंक इस सॉफ्टवेयर का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर पसंद आ रहा हो तो जाकर बाय कर सकते हो। और ये जितने भी स्टेप्स मैंने अभी तक आपको बताया इन सबको फॉलो
करके आप अपनी विंडो 10 की गेमिंग परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव कर सकते हो बिना किसी हार्डवेयर अपग्रेड के। तो अभी ट्राई करो इन सभी स्टेप्स को और कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आपको रिजल्ट कैसा मिला। और साथ में अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करते जाना, साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे आपसे और किसी अच्छी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।